मास रेस्टोरेंट पे पाए लाजवाब जायका, अपने मनपसंद खाने का स्वाद, वेज नॉनवेज की स्पेशल वैरायटी, चाइनीज मुगलाई फैमिली रूम भी अवेलेबल। यही नहीं, स्वीट एंड बेकरी में काजू की बनी अलग अलग वैरायटी के गिफ्ट, मिठाइयाँ, दूध और मावा मिठाइयाँ, हलवा, माज स्पेशल, नमकीन, केक और भी बहुत कुछ। मिठाइयों का मैन्युफैक्चर पाएं 10% का डिस्काउंट। माज रेस्टोरेंट स्वीट एंड बेकरी पे आए खाने और स्वीट का स्वाद पाएं। मैं फिरोज हाशमी, आप देख रहे प्रहार टाइम्स। एक बार फिर मुंबई महाराष्ट्र कोरोना संकट में। मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या पिछले 3-4 दिनों से बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर सरकार प्रशासन एक बार फिर अलर्ट रहने की चेतावनी दी है, रूल फॉलो करने की, यानी जो गाइडलाइन है उससे फॉलो करने की बात कह रही है। शुक्रवार को मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या 823 मिली है। जो नए मरीज हैं वही एसोसिएशन ऑफ मेडिकल कंसल्टेंट के अध्यक्ष डॉक्टर दीपक वैद्य के मुताबिक कोरोना की संख्या कम होने के बाद भी लोग लापरवाह हो गए, जिससे जो है कोरोना बढ़ती जा रही है, यानी कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। आज ठाणे महानगर पालिका के कमिश्नर डॉक्टर विपिन शर्मा के आदेश अनुसार मुमरा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त सागर सालुंखे, डॉक्टर हेमांगी घोड़े ने मुमरा शहर में चल रहे होटल रेस्टोरेंट शादी हॉल के मालिकों को अर्जेंट बुलाकर एक मीटिंग लिया गया। उस मीटिंग में उन्हें गाइडलाइन दिए गए, आखिर कैसे गाइडलाइन को होटल और शादी हॉल चलाने वाले मालिकों को फॉलो करना है, और अगर नहीं करते हैं तो होटल मालिक व शादी हॉल मालिक के साथ साथ उन लोगों पर कार्रवाई होगी जो रूल को फॉलो नहीं करेंगे। ये तस्वीर है आज की तत्काल मीटिंग की, जिसमें जो है गाइडलाइन की जो है पालन कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, सागर सालुंखे और डॉक्टर हेमांगी घोड़े ने जो है लोगों को बता रहे थे, समझा रहे थे, और जो लोग इस मीटिंग में नहीं पहुंचे थे उन्हें ये रूल जानना जरूरी है। सुनिए किस तरह की गाइडलाइन दिया गया है। सागर सालुंखे सर, जो है आज जो है हॉल वालों को, जो हॉल चला रहे हैं उन लोगों को, और होटल वालों को जो होटल चला रहे हैं उन लोगों को आपने तत्काल बुलाया था, आज अर्जेंटली यहाँ पर मीटिंग किया है, क्या अवेयरनेस किया है आप जो है वो पूरा आप। नमस्कार, आप ने देखा रहेगा तो गए दो से तीन दिन में कोरोना के पेशेंट की संख्या जो है वो ठाणे मनपा में फिर से बढ़ रही है, तो उसको ध्यान में रखते हुए माननीय आयुक्त साहब ने कल मीटिंग ली थी और उसमें इंस्ट्रक्शंस दिए थे, तो उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए अगर आप लोग देखते होंगे तो जो होटल्स है, मंगल कार्यालय है, यानी हॉल्स है, शादी के हॉल्स वगैरह, तो आप देखेंगे तो वहाँ पर जो लोगों की आने, बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, उनका एक दूसरे से कांटेक्ट आता जाता रहता है, तो ये बात ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन देने के लिए उन लोगों को आज बुलाया था यहाँ पे। उनको सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स फॉलो करने के हम लोग ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं, वैसे हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करने के लिए इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं, और सबको एक बताना चाहूँगा कि कोरोना में सबसे ज़्यादा जो प्रिकॉशनरी मेजर्स है मास्क यूज़ करने का, तो उसके लिए हम लोग ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। ये सब चीज़ें हम लोग प्रिकॉशनरी मेजर्स पे लेते हैं तो हम लोग कोरोना को अटकाव कर सकते हैं, रुका सकते हैं। लगभग आज जो है कितने हॉल वालों को आपने बुलाया था, कितने होटल वालों को बुलाया था, और उनको जो है जिस तरह से आपने रूल जो है फॉलो करने के लिए बोला गया है गाइडलाइन, अगर वो नहीं करते हैं तो उसके बाद आप लोगों की तरफ से एक्शन भी कुछ है? एग्जैक्टली, आप देख ही रहे तो आज कम से कम एक शॉर्ट नोटिस पे 25 से 30 होटल्स और मंगल कार्यालय के लोग आए थे, उनको इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं और उन्होंने भी कमिट किया है कि हम लोग ये फॉलो करेंगे, जनता के हित के लिए है करके। अगर रूल्स फॉलो नहीं हुए तो एक्शंस रहेंगे, लीगल एक्शंस रहेंगे, वो तो लेना ज़रूरी ही होगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमांगी घोड़े, मेडिकल ऑफिसर, कौशल सेंटर ठाणे महानगर पालिका, और मेरे साथ में मेरे कलीग्स जो है डॉक्टर प्रशांत पाटेकर, हम लोग ये मीटिंग के लिए आए और ये मीटिंग में काफ़ी लोग मौजूद थे। हम लोगों ने उनको यही बताने की कोशिश की, पहली बात ये थी कि पहला जो दौर था कोरोना का अपने पास आया, जो गए मार्च से हम लोग उसको भुगत रहे हैं, तभी हम लोग सब जो बिजनेस है अपने, धंधा पानी है, सब बंद करके घर में बैठे थे। अभी वो दौर से तो हम लोग निकल गए,
उसमें जो हानि हुआ ये हानि अभी इसमें नहीं होना, ये अभी दूसरा दौर जो है हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद आएगा नहीं आएगा मालूम नहीं, मगर अपने को सावधानी बरतना है, अपने को कोई भी जो बिजनेस है वो बंद नहीं करने हैं। उसके लिए जो कोविड सेफ बिहेवियर जो बोलते हैं, कोविड सेफ बिहेवियर माने मास्क इस्तेमाल करना है हर टाइम, हैंड जो है वॉश करने हैं या सैनिटाइजर इस्तेमाल करना है, और सेफ डिस्टेंसिंग करना है, और किसी को इन्फेक्शन है तो उसको आइसोलेट करना है, माने दूसरी जगह पे उसको मोबिलाइज करना है या उसको एंट्री नहीं देना है होटल में अपने, या अपना स्टाफ जो है समझो 10 का स्टाफ साथ में रह रहा है उसमें से एक बंदे को कोई तकलीफ है तो उसको बाजू में करना है और उसका टेस्टिंग कराना है, राइट टाइम पे टेस्टिंग होना। ये जो 5 से कोविड से बिहेवियर के जो पॉइंट्स है उसको हमने दोहराया है और वो हमेशा के लिए उनको संभालने हैं। जब भी होटल चलाते हैं, जब भी कस्टमर्स आते हैं, उनको कस्टमर्स को विदाउट मास्क एंट्री नहीं देनी है। जो आज आप लोगों ने गाइडलाइन बताया है हॉल वालों को और वो होटल वालों को, उनमें कितना मतलब फर्क है गाइडलाइन में? रूल जो है वो एक ही है या अलग अलग है उनके? देखिए कोविड सेफ बिहेवियर ये जो है इसमें जो 5 मुद्दे मैंने बताए ये सबके लिए, आम जनता के लिए, कोई बिजनेसमैन है या कोई होटल वाला है या कोई हॉल वाला है, सबके लिए एक ही तरीके के है। और जैसे कैपेसिटी है जो 50% कैपेसिटी वो हॉल की, जैसे कोई हॉल जो है 300 की कैपेसिटी है उसके 50% पे उसको चलना है, जो कोई होटल है आज उसके पास 300 की सीटिंग कैपेसिटी है खाने के लिए तो उसको 50% पे ही चलाना है। अच्छा। क्योंकि सेफ डिस्टेंस रखना जरूरी है, सेफ डिस्टेंस कभी रख पाओगे जब भी 2 गज की जो दूरी है वो मेंटेन करोगे तो ही, 2 गज की दूरी मेंटेन करने के लिए अपने को 50% कैपेसिटी पे ही चलना रहेगा एक टाइम पे। जैसा कि अभी मैंने सर से पूछा अगर किसी ने गाइडलाइन फॉलो नहीं करता है तो मतलब आपके तरफ से क्या एक्शन रहेगा, आप लोग जांच करने पहुंचेंगे वहां पर या क्या है? कैसा है ना, हम लोगों ने उनको बोला है कि द टेस्टिंग फैसिलिटी हम लोग के पास अवेलेबल है, जो RT-PCR एक टाइम पे 5,500 का टेस्ट था वो जांच हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट थाने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की वजह से अवेलेबल है कौसा में, कौसा का हेल्थ सेंटर में। और उनको हमने ये भी बताया कि उनको जिसकी जिसकी टेस्टिंग कराने है, जैसे स्टाफ कभी बाहर से, अभी होटल्स चालू हो गए, लोगों को पता चला कि अपना धंधा पानी चालू हुआ है, लोग गांव गए थे वापस आ रहे हैं, तो उनकी टेस्टिंग कराएं, सिम्टोमेटिक है कोई, लगता है किसी को लक्षण है किसी चीज़ के, सर्दी है, बुखार है, खांसी है, उसकी टेस्टिंग कराएं, टेस्टिंग करने के बाद उसको एक जगह पे वही रखेंगे, उसको क्वारंटाइन नहीं करेंगे, हम लोग इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन नहीं करेंगे, होम क्वारंटाइन का ऑप्शन दे रहे हैं। तो उनको हमने टेस्टिंग के लिए लोगों को बोलने के लिए समझाया है, ये एक ही चीज़ हम लोगों ने ज़्यादा इसको एम्फोसाइज़ किया है। ट्रेन सभी चालू हो गए हैं, सब बिजनेसेस चालू हो गए हैं, तो देखा गया कि 3 या 4 हफ्ते भर की बात की है तो अब केसेस बढ़ने लगे हैं। मुंबई में आज 4 से 5 हज़ार तक केसेस हुए हैं, हर रोज का 900 से लेके आगे आंकड़ा बढ़ रहा है, मगर ठाणे महानगर पालिका का बोले तो आज अपने पास 154 पेशेंट है। तो ये पेशेंट कल के मीटिंग में हम लोग को माननीय कमिश्नर साहब ने ये बोला है कि अपने पेशेंट्स फिलहाल भी कंट्रोल में है, ये सब जो अपने सिस्टम है अभी भी पहले से हम लोग लूज़ नहीं हुए, सिस्टम पहला दौर निकल गया फिर भी हमारी सिस्टम वही हिसाब में काम करी तो हम लोग कंट्रोल में चल रहे हैं, मगर समझो अपने केसेस बढ़ जाते हैं 200-250 के आगे जाते हैं तो शायद अपने गाइडलाइंस 2 दिन के बाद बदल जाएंगे। मैडम जिस तरह से पिछले 3-4 दिनों से पेशेंट मुमरा में कितने बढ़े? देखिए गए 15 दिन में मुमरा में टोटल 14 पेशेंट्स हैं, 14 से 15 पेशेंट हैं, मगर आज के दिन में 0 पेशेंट है हमारे पास, कल 3 पेशेंट थे अपने पास पूरा प्रभाग समिति में, आज के दिन में 0 पेशेंट है। तो आपने सुना 5 गाइडलाइन है, पहला तो मास्क लगाना, दूसरा डिस्टेंस यानी दूरियां बनाए रखना, तीसरा सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना ये अनिवार्य है, और शादी हॉल में 50% ही लोगों की इजाज़त है, जिनकी हॉल 100% की है उन्हें 50% की इजाज़त होगी, इस तरह के गाइडलाइन दिए गए हैं। फिलहाल ये 2 दिन तक के लिए है यानी सोमवार तक के लिए है गाइडलाइन, और कोरोना पेशेंट अगर इसी तरह से बढ़ते रहेंगे जिस तरह से पिछले 3-4 दिनों से बढ़ रहे हैं, अगर इसी तरह से बढ़ते रहेंगे कंट्रोल नहीं होंगे तो गाइडलाइन बदल सकते हैं। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स।